नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, राजस्थान में संगीत शिक्षक की भर्ती को लेकर के मांग उठने लगी है। तो आज मैं आपका राजस्थान संगीत शिक्षक भर्ती को लेकर के कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आप यहां पर देख भी पा रहे हैं, 32 साल में सिर्फ 28 नौकरी निकली है। और आपको पता है, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसमें क्लियर बोल दिया गया था कि आपका संगीत, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट वाला, ये अनिवार्य विषय है। इनको हर स्कूल में अनिवार्य कर दिया गया है और आपको ये शिक्षा देना जरूरी है। फिर भी इतने अधिक पद खाली होने के बावजूद 32 साल से राजस्थान में कोई भर्ती नहीं हुई है और 28 पदों पर भर्ती हुई है। तो आपको जल्द राजस्थान में संगीत शिक्षा की भर्ती देखने के लिए मिल सकती है। कंप्लीट चर्चा करने वाला हूँ, सभी साथी अंत तक बने रहिएगा। देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे आज ही की न्यूज है, इसमें आपका क्लियर बोल दिया गया है और एक मांग उठ रही है, आंदोलन की कगार पर ये चल रहा है। तो सभी साथी सपोर्ट जरूर करना और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों में शेयर करना, जिससे संगीत के लिए एक और राज्य में बम्फर भर्ती निकल सके। जिस प्रकार से बिहार में बम्फर भर्ती आपकी संगीत के लिए निकल रही है, तो जो हमारे साथी यूपी, एमपी, राजस्थान के हैं, उनके लिए यह बहुत ही अच्छा मौका रहेगा। राजस्थान अच्छा जगह है और अच्छे से आपको यहाँ पर अच्छे खासे पदों पर भर्ती देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं 32 साल में सिर्फ 28 नौकरी दी। हर साल 1,000 संगीत की डिग्री बांट रही सरकार, फिर भी कोई भर्ती नहीं निकाल रही। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कला संगीत को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, लेकिन राज्य में गिर रहा स्तरीय। राजस्थान की बात यहाँ पर हो रही है, हर स्टेट में लगभग आपकी भर्ती निकल रही है, लेकिन राजस्थान में संगीत के लिए भर्ती नहीं निकल रही है। तो आपके यहाँ पर राजस्थान में संगीत शिक्षा की अहमियत कम होती जा रही है। और आपको पता है, राजस्थान में आपका लोकगीतों को और आपका शास्त्रीय गीतों को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयत्न किए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षकों की भर्ती नहीं निकल रही है। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत आश्चर्यचकित होने वाली बात है। आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए पूरी न्यूज़ में आपको यहाँ पर बता देता हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कला और संगीत को बढ़ावा दिया गया है, लेकिन राजस्थान में संगीत शिक्षा के नाम पर सिर्फ डिग्रियां बांटी जा रही हैं। इस विषय में अभ्यर्थियों को नौकरी देने से सरकार पीछे हट रही है। आलम यह है कि पिछले 32 साल से सिर्फ 28 नौकरी दी गई है। राज्य के 23 राजकीय महाविद्यालय और 41 निजी महाविद्यालय में संगीत विषय स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री का प्रशिक्षण देकर के लगभग 1,000 संगीत शिक्षक तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, इसके अलावा राज्य के विश्वविद्यालय अलग हैं, जहाँ संगीत में डिग्री के लिए संगीत विभाग बने हुए हैं। संगीत शिक्षक की भर्ती नहीं होने के कारण राज्य से बेरोजगार संगीत शिक्षकों को मजबूरी से राजस्थान को छोड़कर अन्य राज्यों की ओर पलायन करना पड़ रहा है। प्रदेश में करीब 5 से 8 हजार संगीत के डिग्रीधारी अभ्यर्थी हैं, वर्षों से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। तो 5 से 8 हजार के आसपास आपका 5 हजार से 8 हजार संगीत के डिग्रीधारी हैं। ठीक है, अब वो आपका अन्य स्टेटों के लिए, अन्य राज्यों की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में भर्ती नहीं निकल रही है। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है, आप सभी को इसका पार्ट बनना चाहिए। और जितनी हमारे संगीत प्रेमी हैं, सभी इस सेशन को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इस बात को पहुंचाइए, जिससे इस आंदोलन में, इस मुहिम में बढ़ चढ़ करके लोग हिस्सा लें और यह बात सरकार तक पहुंचे और जल्द से जल्द कुछ इसको लेकर के निर्णय निकले। आपको पता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्कूलों में संगीत शिक्षा का यह आलम है। अब राजस्थान में आपका यहाँ पर देख पाएंगे आप, तो लगभग आपका 14,032 स्कूल हैं, जिनमें सिर्फ 43 विद्यालयों में संगीत की पढ़ाई चल रही है, संगीत के टीचर हैं। अब आप देख सकते हैं, 14,032 विद्यालय में अगर भर्ती निकलेगी, अगर ये 1-1 हजार या 2-2 हजार हर साल निकालेंगे, तो ये लगभग आपका 10-12 साल में स्कूलों में पूरी भर्ती भी नहीं करवा पाएंगे। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी मुहिम है, लगभग इसका सभी को हिस्सा बनना चाहिए और जल्द आपको भर्ती के लिए यहाँ पर मुहिम उठानी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ। राज्य सरकार संगीत विषय में जितनी डिग्री बांट रही है, उतनी बेरोजगारों की व्यवस्था भी करें, ताकि राज्य के बेरोजगार संगीत शिक्षकों को अन्य राज्यों में जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़े। जबकि 1 से 10, कक्षा 1 से 10 तक संगीत अनिवार्य विषय है, लेकिन शिक्षक के पद सृजित नहीं है। यह आपका सुरेंद्र मिश्रा संगीत अभ्यर्थी, उनकी तरफ से कहना है कि 1 से लेकर के 10 तक संगीत विषय अनिवार्य है। आपको पता है, नई शिक्षा नीति में संगीत विषय को अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन राजस्थान में भर्ती यहाँ पर नहीं निकाली जा रही है और सारे के सारे पद खाली पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये इनकी तरफ से बोला जा रहा है। अब देखिए,
यहाँ पर मुहिम और आंदोलन चलाया जा रहा है। संगीत शिक्षा न केवल काव्यों को संगीत की बुनियादी तकनीक सिखाती है बल्कि उनकी मानसिक और भावनात्मक विकास में भी सहायक होती है। संगीत शिक्षा में बच्चों में आत्मविश्वास, अनुशासन और रचनात्मक का विकास होता है। राजस्थान में संगीत शिक्षा की अहमियत केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है, यह समाज और संस्कृति के समग्र विकास में भी सहायक है। सरकार को संगीत शिक्षा को प्रोत्साहन करना चाहिए और युवाओं को इस क्षेत्र में नौकरी के अवसर प्रदान करने चाहिए। महेश गुर्जर सचिव है आपका कला शिक्षा आंदोलन के। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी मुहिम चलाई जा रही है कि राजस्थान सरकार भी शिक्षक की भर्ती निकाले संगीत के फील्ड में, और संगीत में इतने स्कूल होने के बावजूद और संगीत विषय अनिवार्य होने के बावजूद भी राजस्थान सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। तो इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करवाने के लिए सभी साथी इस मुहिम का हिस्सा बनिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे यह वीडियो अधिक लोगों तक पहुंचे और सभी को आइडिया लगे कि हाँ, राजस्थान में पदों की संख्या खाली है और बहुत अधिक पद खाली हैं, जिससे जल्द से जल्द भर्ती निकाली जा सके। तो सभी साथी इस अपडेट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज के लिए आपको यही अपडेट देना था। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा और जल्द आपको भर्ती देखने के लिए मिल सकती है। आगे क्या होता है, जैसे भी कोई अपडेट आएगा मैं ज़रूर लेकर के आऊँगा। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।